पालक की सब्ज़ी तो आपने खाई होगी, परंतु खट्टा पालक की सब्ज़ी जो आपने शायद ही खाई होगी, इसकी रेसिपी आज हम शेयर करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल ऐड किया है, उसके बाद उसमें लहसुन और सूखी लाल मिर्च, फिर हमने चने की दाल को भिगा कर रखा हुआ है। इसके बाद लहसुन को थोड़ा लाल होने देंगे, फिर इसमें हम भीगे हुए चने की दाल को ऐड करेंगे और प्याज को ऐड करेंगे। प्याज इसमें डालना ज़रूरी होता है क्योंकि खट्टा पालक स्वाद में खट्टा होता है, तो उसकी खट्टेपन को थोड़ा कम करता है यह। इसके बाद इसमें हम मिर्ची, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे। इसे कुछ देर हम भूनेंगे। वीडियो थोड़ा सा काला दिख रहा है क्योंकि मोबाइल के कारण और लाइट इफ़ेक्ट्स के कारण, तो इसे आप नेगलेक्ट कीजिएगा। कुछ देर इसे भूनेंगे ताकि चने की दाल थोड़ी सी भुना जाए। उसके बाद इसमें हम भाजी को ऐड कर देंगे। भाजी को हमने अच्छे से धो लिया है, 2-3 बार वॉश कर लिया है। इसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे। जैसा कि नाम है खट्टा पालक, उसी के हिसाब से यह स्वाद में खट्टी होती है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट होती है। अब इसे हम धीरे धीरे भूनेंगे या बहुत जल्दी गल जाती है। देखिए बहुत जल्दी पक जाती है भाजी। आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी इंस्टा आईडी है छत्तीसगढ़ का जायका, उसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। खट्टा पालक की सब्ज़ी बनकर तैयार है, इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।